अस्सलाम वालेकुम, मैं अक्सर निसा, मेरे चैनल में आपका वेलकम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज बनाने जा रही हूँ सिंपल मटर पुलाव। ये बनाने का तरीका बहुत आसान है। ये बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम कोलम राइस लिया है। इसे जस्ट वॉश करके भिगा दिया है। इसे हमें भिगा के छोड़ना नहीं है। इसकी जगह पे आप बासमती राइस भी ले सकते हैं। हरे मटर एक बाउल, 2 से 3 आलू, इसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, इसे मैंने बीच से चीर लिया है। अदरक के स्लाइसेस इस तरह से मैंने कर लिए हैं। ये ज़ीरा है, ज़ीरे की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा ली है। इसका जायका पुलाव में बहुत अच्छा आता है। ये कुछ खड़े मसाले हैं, हरी इलायची 3, लवंग 3 से 4, काली मिर्चें और दालचीनी, नमक जायके के मुताबिक 2 से 3, तेज़पत्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर पुलाव बनाना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमें खड़े मसाले इसमें ऐड कर देंगे ऑयल में। तेज़पत्ते, ज़ीरा, हमें इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस कलर चेंज करना है। हरी मिर्ची और अदरक को भी हमें ऐड कर देना है इसमें। देन हमें इसके बाद हमें मटर को ऐड करना है और साथ ही साथ आलू। हमें इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से पकने देना है। हाई फ्लेम पर मटर का कलर चेंज हो चुका है, हमें नमक ऐड करना है और साथ ही साथ राइस को भी ऐड कर देना है इसे। हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे 2 से 3 मिनट पकने के लिए भी छोड़ देना है फास्ट फ्लेम पे। बाहर बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है, अल्लाह इसे हमारे लिए रहमत बना दे। मैंने राइस को अच्छे से मिक्स कर दिया है इसमें। इसे हमें 2 से 3 मिनट छोड़ देना है। चावल के वज़न से डबल लेना होता है। माशाल्लाह, चावल में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पुलाव की। पानी तकरीबन इसका 60% सूख गया है। हमें इसे बीच में खोलकर चेक करना रहता है। अब मैं इस चावल को दम पर डाल दूँगी। चावल को अब हमें दम पर डालना है। दम पर डालने से पहले मैं इसमें बारिश्ता डालूँगी, क्योंकि शुरू में मैंने इस अनियन को डाला नहीं था। बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी पकने के बाद। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। कुछ धनिया के पत्ते। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। माशाल्लाह, पुलाव को दम पर रखने से पहले मैंने उसके नीचे छोटा तवा रख दिया था। माशाल्लाह, चलो माशाल्लाह, हमारा यहाँ मटर पुलाव रेडी है। आप इसे ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए बना के। इसकी ग्रेवी से पसंद हो आप खाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।